दोस्तों, जैसे कि इसकी पिछली वीडियो में हम लोग बात किए हैं, ने वाला है, ने वाली है, ने वाले हैं, या फिर का है, की है, के हैं, तो उसका यूज इज एम आर प्लस टू प्लस भी वन इस तरह करके कुछ सेंटेंस था जो कि बना रहे थे। अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इसकी पिछली जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर इसके एंड में उसका वीडियो मिल जाएगा जहाँ से आप अच्छी तरह से विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है, अगर किसी भी वाक्य में क्रिया के बाद ने वाला था, ने वाली थी, या फिर ने वाले थे, या फिर क्रिया के बाद का था, की थी, या फिर के थे। अगर कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें क्रिया के बाद ने वाला था, ने वाली थी, या फिर ने वाले थे, या फिर क्रिया के बाद का था, की थी, के थे, अगर इसमें से कोई भी सेंटेंस आएगा या फिर मिलती जुलती दिखाई देगा तो उसको बनाएंगे कैसे देखेंगे। रूल्स में सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद वाच या फिर वर, देन टू, देन भी वन, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये है फॉर्मूला। अब वाच एंड वर का यूज कहाँ किया जाता है वो पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर ये नहीं जानते हैं तो पिछली वीडियो में जाकर के वाच और वर को क्लियर कर लीजिएगा, जहाँ से अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कहाँ वाज यूज होता है, कहाँ वर्ड यूज होता है। कुछ एग्जाम्पल भी उसमें डाले थे, पूरा एक वीडियो बनाए थे वाज एंड वर्ब पर। तो चलिए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्रिया के बाद वाला था, वाली थी। तो देखते हैं, ये राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, उसके बाद वाच एंड वर्ब, नाम में वाच बताए थे, जब कभी भी नाम आएगा तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में वाच यूज किया जाता है। तो राम में हम लोग वाच एंड देन फॉर्मूला से टू यूज करना है। उसके बाद देखना है कि सेंटेंस में वर्ब कहाँ है, तो खाना खाने ये वर्ब है, तो ये हो जाएगा ईट, एंड देन खाना हो जाएगा फूड। राम वॉज टू ईट फूड, राम खाना खाने वाला था। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। सीता किताब खोलने वाली थी, सीता किताब खोलने वाली थी, तो ये खोलना हो गया क्रिया, उसके बाद वाला था, वाली थी, जो भी आ रहा है। तो उसी तरह बनाएंगे, सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट सीता है, सीता सब्जेक्ट, उसके बाद वॉच एंड वर्ब, नाम है इसीलिए वर्ब यूज करेंगे, एंड देन टू, उसके बाद वर्ब, तो खोला, ओपन, एंड देन ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ आर्टिकल भी यूज यहाँ पे किया जा सकता है। तो सीता वॉन्ट टू ओपन द बुक, तो ये कंप्लीट हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं। मैं दौड़ने वाला था, मैं दौड़ने वाला था,
एक क्रिया, उसके बाद वाला था वाली थी, सेम उसी तरह बनाना है। सब्जेक्ट आई, आई के साथ वाज यूज होता है, उसके बाद टू, देन दौड़ने वाला, ये वर्ब है दौड़ना, रन, तो आई वाई टू रन। और एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें यूज करेंगे वर, तो हम लोग स्कूल जाने वाले थे, हम लोग स्कूल जाने वाले थे, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, स्कूल का हो जाएगा, वो तो ऑब्जेक्ट है, देन हम लोग को सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, वाज एंड वर, वी के साथ वर यूज होता है, तो वी वर देन टू, उसके बाद वर्ब देखना है जाना, तो गो, और गो के साथ टू यूज होता है, वी वर टू गो टू, देन ये ऑब्जेक्ट स्कूल, वी वर टू गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाने वाले थे, तो ये कंप्लीट।